मंत्रीवर, आपने हमारे और हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भेंट हमारी ओर से स्वीकार करें। हमारे विशेष सलाहकार के लिए एक विशेष उपहार। धन्यवाद महाराज। महाराज, आश्चर्य की बात है कि अनायासी मेरी दृष्टि आपकी हथेलियों पर गई और मैंने देखा कि आपकी हथेलियों पर बाल नहीं है। हथेली पर बाल नहीं है? आपका अर्थ क्या है पंडित रामकृष्ण? यही महाराज कि आप महान दानवीर हैं। आपसे बड़ा दानवीर इस विश्व में और कोई नहीं। आप इतने बड़े दानवीर हैं कि दान देते देते रगड़ पड़ने से आपकी हथेलियों में कोई भी बाल शेष ही नहीं बचा। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, एक क्षण, ये आपकी चतुराई के लिए। पंडित रामकृष्णा, हमारी हथेली पर तो कोई बाल नहीं है, परंतु हम ये भी देख पा रहे हैं कि आपकी हथेली पर भी कोई बाल नहीं है। वो कैसे? पंडित रामकृष्णा, ये महाराज के समक्ष क्या व्यर्थ के प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं आप? देखिए देखिए, हमारी हथेलियों पर भी बाल नहीं है, देखिए। सत्य है गुरुवर। महाराज, कदाचित गुरुवर एवं मेरे हथेलियों के बाल आपसे दान लेते लेते झड़ गए। क्यों गुरुवर? बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। ये लीजिए। पंडित रामकृष्ण, एक शंका हमारे मन में अभी भी है, और वो ये कि हमारी हथेली में और आपकी हथेली में और गुरुवर की हथेली में बाल क्यों नहीं है, ये तो हम समझ गए, परंतु यहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति की हथेली में बाल नहीं, वो कैसे? महाराज, जिन लोगों को दान मिले उनके हथेलियों के बाल दान लेते लेते झड़ गए, और जिन्हें नहीं मिले वो बेचारे हाथ मलते रह गए, तो इस तरह उनकी हथेली के बाल भी चले गए। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। आपकी त्वरित बुद्धि का कोई सानी नहीं है। ये आपके लिए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं गुरुजी? इससे कहते हैं बुद्धि। पंडित रामकृष्णा ने आपसे अधिक भेंट प्राप्त कर ली। आज पुनः हमें पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। आज यदि ये ना होते तो हमारे दादाजी की पवित्र पगड़ी हमारे शीश पर सुशोभित ना होती। पंडित रामकृष्ण ने ही हमारी पगड़ी ढूंढ निकाली है। आज हमने सदैव से देखा है कि जब भी हम या विजयनगर राज्य किसी भी दुविधा में होता है तो पंडित रामकृष्ण ने शीघ्र अति शीघ्र उसका हल निकाला है। पंडित रामकृष्ण, धन्यवाद। रामा रामा रामा, इस रामा का कुछ तो करना ही पड़ेगा। सदैव हमारे मुख तक आया निवाला छीन लेता है। देख लेंगे हम तुम्हें पंडित रामकृष्णा। महाराज, आज के समारोह में विस्मय कर देने वाला एक अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं, और वो है पुर्तगाल के प्रसिद्ध जादूगर। अवश्य मंत्रीवर, अनुमति है, उन्हें भीतर बुलाइए। महाराज, ये तोषक यहां दरबार में क्या कर रहा है?
ये क्या हो रहा है ये? जादूगर महोदय, प्रणाम महाराज। सब धोखा है। ये लीजिए, एक और आ गया महाराज का खजाना लूटने के लिए। टोपी में से कबूतर खरगोश निकालेगा और स्वर्ण मुद्राएं ले जाएगा। बस हम ही वंचित रह गए। महाराज, मेरा नाम मॉर्किस डे पोम्पादोर है। मैं पुर्तगाल से आपसे मिलने आया हूँ। पपड़म, ये कैसा नाम है? अरे मूर्ख, अपड़म पपड़म नहीं, माचिस डे अपड़म नाम है इसका। स्टुपिड ओल्ड मैन, आप नहीं समझोगे। इट्स मॉर्किस डे पोम्पादोर। आपने हमें बिल्कुल ठीक से पहचाना। हम ही हैं आचार्य तथाचार्य। फिर जी हाँ, हम ही हैं राज्य के सबसे बड़े। अभी आपने हमें किस शब्द से सम्मानित किया? स्टूपिड। हाँ, हम ही हैं राज्य के सबसे बड़े स्टूपिड माचिस जी। फूलिश इंडियन इज मॉर्किस द पोम्पादोर। माचिस अपदम, माचिस अपदम, अपदम, माचिस अपदम। नो, ये फालतू बिल्ली है, कुछ नहीं करेगा। इसे संभालिए, हमें बिल्लियां पसंद नहीं। चलिए जादूगर महोदय, आप अपना जादू आरंभ कीजिए। हम अत्यंत तत्पर हैं देखने के लिए कि आप क्या जादू करने वाले हैं। जो आगे महाराज। रुमाल कहाँ गया जादूगर महोदय? अब हम
क्षमा चाहते हैं महाराज। ये क्या जादू है महाराज? ऐसे जादू तो हमारे विजयनगर के मार्ग पर प्रतिदिन जादू प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या विशेष है? कुछ नहीं। ठीक है महाराज, मैं आपके सामने आज एक ऐसा जादू दिखाना चाहूंगा जो मेरा सर्वश्रेष्ठ जादू है। क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ अवश्य 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 देखना चाहेंगे। ठीक है, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ जादू है महाराज, परंतु मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जादू देखने से कोई भी विचलित हो सकता है। आपसे निवेदन है कि कृपया क्रोधित ना होए। अनुमति है? ठीक है, जो कभी नहीं हुआ वो आज होगा। अरे वाह, ऐसा कौन सा जादू है जिसे कोई नहीं कर सकता? ये मेरी जादू की विद्या का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, इसे आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। याद रहे, सब धोखा है। सबसे श्रेष्ठ है, पता नहीं अब क्या प्रदर्शित करने वाला है ये माचिस। आप देखना चाहेंगे? हाँ हाँ देखना है देखना, दिखाइए दिखाइए। नहीं, दिखाओ दिखाओ। मेरी आंखों में देखो। अरे हमको देखें? देखो, साफ तो है। गौर से देखो। देखते रहो। गुरुजी, अरे गुरुवर क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी। मेरी आंखों में देखो। अच्छा, देखते रहो। मेरी बिल्ली म्याऊ, आज बहुत थका हुआ है बाबा। महाराज ये सब क्या है? गुरुवर, आप इन महोदय का सर्वश्रेष्ठ जादू देखना चाहते थे ना? लीजिए देखिए, इन्होंने आपके हाथ में क्या थमा दिया है। ये क्या? माचिस, माचिस जी, भगवान। वाह, हमने आज तक ऐसा जादूगर नहीं देखा, अद्भुत है। बच्चे इधर आओ, मेरी आंखों में देखो। ये देखिए महाराज, ये देखिए, ये पाखंडी पाखंड पर पाखंड किए चला जा रहा है महाराज। महाराज ये माचिस, माचिस, माचिस दिया पादम, बंद करो ये सब। क्या क्या है? क्या है?
भगवान, हे बालक, हे बालक, हे बालक, नहीं, नहीं, अरे अरे गुरुवर, गुरुवर, बाहर है, आराम से गुरुवर, अच्छा, महाराज, 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 भगवान, महाराज, महाराज, महाराज हमारी रक्षा करो, अरे, मर गए, माचिस, 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 अरे जादूगर मौत है, बस, हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया, रोकिए, रोकिए मारेंगे मारेंगे पहले तुझे महाराज। मैं यहां क्या कर रहा हूं महाराज? महाराज ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि सम्मोहन क्रिया का ये सबसे अद्भुत प्रदर्शन था। जी गुरुवर, जादूगर ने कैसे आपको और मणि को अपने वश में कर लिया था? महाराज ये मेरा सर्वश्रेष्ठ जादू है, सम्मोहन। इससे मैं किसी से भी कुछ भी करवा सकता हूं और उसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। मंत्रीवर। महाराज। जादूगर महोदय को यथोचित उपहार भेंट किए जाए। फूलिश इंडियन, जादूगर समझ रहे हो मुझे, सब धोखा है। मेरा वास्तविक पुरस्कार तो पगड़ी है महाराज। ये पगड़ी ले जाकर मैं आपके और आपके विजयनगर के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को समाप्त कर दूंगा। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजा मेरे देश पुर्तगाल के सामने सर झुकाए खड़ा होगा बहुत जल्द। माची जी रुकिए, 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 रुकिए। माची जी आप सचमुच विस्मृत कर देने वाले कलाकार हैं, आपकी कला अद्भुत है। माचिस टाइम मॉर्केस। अपादम जी हमने आप जैसे महान कलाकार के साथ हमने उचित व्यवहार नहीं किया, इसके लिए लज्जित हैं हम। नो प्रॉब्लम्स फूलिश इंडियंस। जी जी इस बुड्ढे को क्या हो गया है, ये इसकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है? ये बुड्ढा तो स्वयं किसी व किसी और की प्रशंसा करता ही नहीं है। वो हम चाहते हैं कि आप हमारे निवास पर पधारें और संध्याकालीन भोजन हमारे साथ ग्रहण करें। गुरुवर की विशाल हृदयता, अतिथि सत्कार की उत्सुकता कुछ हजम नहीं हो रही है। एक बार ये हमारा आतिथ्य स्वीकार कर ले फिर इसका इस्तेमाल रामा के विरुद्ध करूंगा और रामा के जीवन में आग लगा दूंगा। तुम इंडियन सच में मूर्ख हो, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर कृष्णदेव राय की पगड़ी तुम्ही से चोरी करवाऊंगा बुड्ढे। यू ओल्ड मैन, तू बनेगा मेरा अस्त्र और चुराएगा महाराज की पगड़ी, जैसे चूर चूर हो जाएगा तुम्हारे विजयनगर का आत्मसम्मान। सब धोखा है, तुम्हारे किंगडम को पुर्तगाल के कदमों में झुकाने की तुम बनोगे पहली सीढ़ी, क्योंकि मेरा दूसरा शिकार होंगे तुम्हारे महाराजा, उन्हें करूंगा अपने वश में और फिर सारे राज्य को फूलिश